नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मौसम के बारे में, जानेंगे आज मौसम है जो कैसा बना रहेगा। आज राजस्थान के कई जिलों का पर मौसम है जो खराब रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जाती, जालौर, सिरोही, उदयपुर संभाग के जिले, अजमेर, ब्यावर, जैतारण, पाली, इसी के अलावा यहाँ यानी जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़ सहित बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, साथी यहाँ पर मौसम है जो खराब रहने की संभावना है। दोस्तों आज 17 अप्रैल के दौरान यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम है जो खराब रहेगा, यानी जोधपुर संभाग, पाली, इन आसपास के जगहों पर मौसम खराब रहेगा। उदयपुर साथ ही बीकानेर, जैसलमेर यहाँ बादलों की आवाजाही वाली स्थिति बनने की संभावना है, यानी दोपहर तक यहाँ पर भी कुछ न कुछ जगहों के लिए बादलों की आवाजाही बनेगी। दोपहर के बाद बीकानेर संभाग में आज ये कुछ न कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ होगी। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज रहेगी। जयपुर, अलवर, भरतपुर संभाग के जिले यहाँ पर भी मौसम है जो काफ़ी खराब बने रहने की संभावना है और हवाओं की रफ्तार है जो काफ़ी तेज रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर आसपास के जगह, वही जैसलमेर पाकिस्तान के लगते सीमावर्ती एरिए यहाँ पर भी मौसम है जो खराब बने रहने की संभावना है और बादल की आवाजाही के साथ हल्के छिटपुट जगहों के लिए बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ रहेगी। साथ ही 18 अप्रैल के आसपास राजस्थान में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, खास तौर पर यानी जैसलमेर में हवाओं की रफ्तार, बीकानेर, जोधपुर में काफ़ी तेज आंधी व तूफान जैसी गतिविधियां रहेगी और यहां पर अच्छी बारिश, ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसी के अलावा वहां पूरे राजस्थान का मौसम खास तौर पर खराब रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तूफानी हवा चलने की संभावना बीकानेर, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू यानी सीकर, झुंझुनू, इन तमाम जगहों के लिए मौसम है जो 18 अप्रैल के दौरान है मौसम काफ़ी खराब रहेगा। ओलावृष्टि, एकाध जगहों के लिए अच्छी बारिश, तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आगामी 4-5 दिनों की और बात कर ले तो 19 अप्रैल के दौरान भी राजस्थान के कुछ एक इलाकों के लिए बादलों की आवाजाही के साथ बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान जैसी गतिविधियां हैं जो रहने की संभावना है। उस दौरान भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन आसपास के जगहों के लिए मौसम है जो काफ़ी सक्रिय और ख़राब होने की संभावना है। मौसम अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।